उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत बह और सिलक को आपस में जोड़ने वाले देउली खड्ड पर लगभग 1,13,00,000 की लागत से बने पुल से पहली बार बस क्रॉस हुई। बह पंचायत के प्रधान पीर सहाय ठाकुर ने पूजा अर्चना के बाद देवता पाइंदल ऋषि के आशीर्वाद से बस को पुल से क्रॉस करवाया। वहीं बस पुल से क्रॉस होने के पश्चात लोगों में खुशी देखी गई। पीर सहाय ठाकुर ने बताया, जनता की वर्षों की मांग आज पूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा, इलाका दुंधा की जनता को बारिश व बरसात के दिनों में अपने गंतव्य में पहुँचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वहीं बस भी बड़ा गाँव में ही खड़ी रहती थी, लेकिन अब पुल बनने से लोगों को आने जाने की सुविधा मिल गई है, जिसके लिए क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। पीर साई ठाकुर ग्राम पंचायत ब के प्रधान होने के नाते ये डोलरा जो पुल था, इसकी हमारे दुंदा इलाके के लिए कई दिनों से की जो समस्या थी वो आज जो हल हो चुकी है। हमने पूरे प्रशासन को, पूरे पॉलिटिक्स जी को सबसे अनुरोध करके आज हम इस पर्पज पे पहुँचे हुए कि मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ और पूरे जिन्होंने सहयोग हमारा समय समय पर हमने इसकी आवाज़ को उठाए, चाहे वो SDO है, चाहे वो JE है, चाहे वो एक्सिन है, चाहे वो चीफ इंजीनियर है, चाहे वो SE साहब है, उन्होंने हमारी मदद की। आज इस परिस्थितियों में हम इस पुल को क्रॉस करने के लिए जो हमारे दुंदा इलाके के लिए जो कई दस पंद्रह बीस सालों से जो रोड चल रहा था उसके तहत ही हमारी इसकी ज़रूरत थी। जब तक ये पुल नहीं बनता तो बरसात के महीने में हम लोग यहीं ही रह जाते थे, तो साल के लगभग 50% डेज जो है हमारे इसी नाले के पास काटना पड़ते, खड्ड में काटना पड़ते थे ड्राइवर कंडक्टर को, और आधा दिन मुश्किल से हम इसको अपने घर में मुश्किल से पहुंचते थे। तो आज मैं बड़ा धन्यवादी हूं अपने देवपाइंदल ऋषि का भी। हम रोज़ यही प्रार्थना करते थे, मालिक सतबुद्धि दे सबको, चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे लोग हैं, तो इकट्ठे होके हमने इसका प्रयास किया और आज हम इस उतरने पर पहुँचे कि इस पुल का के ऊपर से हमारी पहली बार जो है हमारी बस क्रॉस होने जा रही है। ये बस का बस योग्य का बात ऐसी, पीछे जो हमारा एक स्लाइड डिप्रोशन था, काम लगा था, ना बस नीचे से जा रही है ना ऊपर से जा रही है, तो हमने कहा कि चलो देवपाइंदल ऋषि के नाम से आज जो इसका उद्घाटन की बात जो बाद में रहती है, पब्लिक जो है सबसे पहली होती है, उद्घाटन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया और इतनी जल्दी कुछ काम रह भी चुका है इसका, मैंने प्रशासन से भी गौर लगाई हुई है कि बस ना नीचे से जा सकती है और पुल के तो अब तो प्रशासन ने भी 2 दिन में अपनी सहमति जताई और मैं उनका धन्यवादी हूँ। अपने JE से लेकर अप टू SC तक तो उन्होंने मुझे पूरा विश्वास लाया कि छोटा मोटा जो काम है उसको, जो आज भी हम सुबह 10 बजे से मैं भी खुद खड़े होके मौके पे यहाँ था, तो हमने जो कमी पेशी थी वो आर पार उसको पूरा किया। JCB अभी भी यहीं खड़ी होगी, उसको भी पूरा करेंगे। तो जो कुछ जो ठेकेदार की कॉन्ट्रैक्टशिप में बचा हुआ काम है मैं उसे अनुरोध करूँगा, प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा, जो साइड में जो परबट्टा है चाहे जो मर्जी है उसको इमीडिएटली लगाया जाए ताकि आने जाने के लिए ये ठीक मतलब सुविधा हो जाए, कोई ऐसी ट्रेजरी ना हो। जो हमारा रोड है रोड के हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए बह से ललित ठाकुर।